हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज जे कपूर हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भैया पैसा नहीं बचाना चाहिए। मतलब हम हमेशा बात करते रहते हैं पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो, सेव करो, कंपाउंड करो, ये करो, वो करो, बट वैसी कौन सी चीज़ें हैं ये भी बहुत ही बताना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पैसा नहीं बचाना चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन की द बेड, द मैट्रेस, द प्लेस वेयर यू स्लीप, बिकॉज 1/3 ऑफ़ योर लाइफ तुम्हारी उधर ही जानी है। एंड वो जगह अगर अच्छी नहीं है, कम्फी नहीं है, तुम्हें सोने में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हारा अगला डे भी काफ़ी क्रैंकी जाएगा, तुम काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। सो मेक श्योर तुम्हारा बेड अच्छा हो, तुम्हारी मैट्रेस अच्छी हो, तुम्हारा पिलो अच्छा हो। अगर तुम्हारे लिए सही चल रहा है तो चलने दो उसे, अगर कुछ ख़राब भी लग रही है आपको 1% भी, तो स्पेंड मनी देयर टू फिक्स इट। उसको और डिले मत करो भैया, फिक्स करो, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, ऑन योर फूड। ये मेरे मारवाड़ी दोस्तों से आता है कि भैया वो बड़े ही सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, लेकिन फूड एकदम फैंसी खाएंगे, एकदम अच्छा, टॉप नॉच। मैं इतना फैंसी नहीं करता, आई रियली लाइक होम कुक्ड विदाउट स्पाइस वाला फूड। सो वॉट एवर फूड यू लाइक, इन्वेस्ट ऑन दैट, इन्वेस्ट ऑन हेल्दी फूड्स। कभी भी खाने और डाइट में कंजूसी मत करो, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। बिकॉज तुम्हारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, तुम्हारा दिमाग ही ऑप्टिमल स्टेज में काम नहीं कर पाएगा, तुम्हें अच्छे आइडियाज़ नहीं आएंगे, एग्जीक्यूशन की पावर नहीं होगी, तो कहाँ से क्या करोगे। तो अच्छे हेल्दी फूड्स में इन्वेस्ट करो। तो ये सीड्स आते हैं वो खाया करो, बहुत सारी हेल्दी फूड्स हैं, सुपर फूड्स हैं दैट यू कैन बाई फ्रॉम योर मनी। थर्ड थिंग इज़ योर टूल्स। अब टूल्स में कुछ भी आ सकता है, अगर तुम भागते हो तो तुम्हारा जूता एक टूल है तुम्हारे लिए, तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ शूज़। तो अगर अब तुम्हारा सारा दिन लैपटॉप पे काम होता है तो मेक श्योर योर लैपटॉप इज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट फॉर योर काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू। एंड अगर तुम्हारा फ़ोन पे काम है तो मेक श्योर इट्स द वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन इन द इंडस्ट्री। सो अपने टूल्स पे पैसा खर्चने में कभी भी ऐसे वो मत करो जो तुम्हें पैसा कमा के दे रहा है। तो ये लैपटॉप मुझे पैसा कमा के दे रहा है, ये माइक मुझे दे रहा है, वो कैमरा दे रहा है, ये फ़ोन दे रहा है, तो आई नेवर एवर यू नो स्किम्ड कि भैया इसकी जगह वो ले लेते हैं, 20,000 रुपये बचा लेते हैं, बिकॉज आई नो इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। अगली चीज़ आती है वही फूड से रिलेटेड, हेल्थ केयर। सो नेवर एवर यू नो टर्म इंश्योरेंस में कोई कंजूसी मत करो, अभी खरीद लो। हेल्थ इंश्योरेंस में कोई कंजूसी मत करो। अगर कोई आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो तो मेक श्योर इट्स रीजनेबली गुड। हेल्थ केयर में कभी भी किसी भी तरीके का मतलब पैसे बचाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तुम्हें ही आएगा। मतलब हेल्थ केयर प्रॉपर लो ताकि तुम्हें बार बार पैसा ना खर्चना पड़े। सो हेल्थ केयर इज़ इनडायरेक्टली लिंक टू योर फूड एंड लाइफस्टाइल। अपनी फूड और लाइफस्टाइल को A1 रखो कि तुम्हें किसी दवाइयों की ज़रूरत ना हो। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो पता नहीं दवाइयाँ चलती रहती है, किसी के एंटी डिप्रेसेंस चल रहे हैं, किसी का ये चल रहा है, किसी का वो चल रहा है। सो या अपना फूड और हेल्थ केयर एकदम टिप टॉप रखो, उसमें कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर लर्निंग। कभी भी भैया पैसे की मत सोचा करो, वेन एवर यू आर बाइंग अ कोर्स और वेन एवर यू आर बाइंग सम बुक्स और कुछ भी। तो मतलब उस दिन मैं 6-8 किताबें बाय कर रहा था, 2,000 रुपये की पड़ रही थी, एंड मेरा फ्रेंड साइड से देखता और कहता, ओ भाई 2,000 की किताबें, पागल है ये वो। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज़ लाइक 90% डिस्काउंट। ये जो नॉलेज और वैल्यू मुझे प्रोवाइड करके जाएगी, इट इज़ वर्थ 10x और 100x ऑफ 2,000 रुपीज़। अपनी लर्निंग में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बुक्स खरीदते टाइम कभी भी मत सोचो कि इतना पैसे की आ रही हैं, ये आ रहा है, या कोर्सेज खरीदते टाइम इफ़ यू थिंक द इंस्ट्रक्टर इज़ वर्थ द मनी, पे इट। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।